हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी रिएक्शन में। तो कैसे आप सब, उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ आप लोगों की दुआ से। तो दोस्तों, आज जिस वीडियो का मैं रिएक्शन लेके आई हूँ वो है पाकिस्तानी पब्लिक लूटे ड्रीम बाज़ार मॉल इन कराची सिविल वॉर लाइक सिचुएशंस। तो जो पाकिस्तान की पब्लिक है उसने ड्रीम बाज़ार मॉल है वहाँ पर बहुत सारे मतलब सामान ले लिया होगा, तो टाइटल डाल दिया कि लूटे ड्रीम बाज़ार। तो बहुत ज़्यादा सामान ले लिया होगा, काफ़ी कम दाम में मिल रहा होगा या कोई तो सीन होगा। तो वह हमें वीडियो देख के पता लगेगा कि एग्जैक्टली क्या वहाँ पे सीन हुआ था। तो जल्दी जल्दी हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, एंजॉय करते हैं, इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। जी तो दोस्तों, मैं हूँ सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल है कराची का ड्रीम बाजार, जिसकी रिसेंटली ओपनिंग हुई और वहाँ पे आम पब्लिक ने तरीके से दावा बोला कि हर चीज वहाँ से लूट के निकल गए। पाकिस्तानी पब्लिक, खासतौर पर लाहौर की पब्लिक से पूछेंगे कि क्या वजह है। पाकिस्तान में कभी खबर ये आती है कि ऑयल का कंटेनर उल्टा और सारा ऑयल आम पब्लिक ने लूट लिया। कभी खबर ये आती है कि दिन ब दिन बेकारियों की तादाद बढ़ती नजर आ रही है। पाकिस्तान की इस टाइम जो सिचुएशन है, क्या खाना जंगी की तरफ जाती नजर आ रही है, क्या सिविल वार की तरफ जाती नजर आ रही है, और कराची में जो वाकया हुआ उसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक की क्या ओपिनियन है, जानेंगे इस वीडियो में। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जफर। क्या करते हैं सर? सर मैं गारमेंट्स का काम करता हूँ। गारमेंट्स का काम करते हैं। मुझे बताएं सबसे पहले, जो इस टाइम पाकिस्तान में महंगाई की सूरत हाल है, बर्दाश्त में है या बर्दाश्त से बाहर है? एक तो सर चीज अच्छी बर्दाश्त से बाहर, ठीक है, वो डबल ट्रिपल कर रहे बाहर हो गई है कि अब तो एंड है, एंड हो गया। अच्छा, ये आपने जो सब्जी पकड़ी है, भिंडियाँ पकड़ी है, ये कितने रुपए किलो ली है? ये 150 रुपए किलो। 150 रुपए किलो। खबर ये है कि कराची में अब बकायदा एक मॉल था ड्रीम मॉल के नाम से, ओपनिंग हुई ड्रीम बाजार के नाम से, आम पब्लिक घुसी है लूट मार करके, वो चीजें सारी लूट मार करके ले गई है। क्या कहना चाहेंगे, ये सिचुएशन आ गई है? ये कहना चाहूंगा कि इंशाल्लाह जिस तरह ये हमारी गवर्नमेंट हमें करती है ना सिस्टम परेशान, अब इधर भी होगा। नहीं इंशाल्लाह तो आगे, मैं क्यों डरूं भाई, होगा इंशाल्लाह, इधर भी होगा। यानी जो कराची में सूरत हाल हुई है वो लाहौर में भी होगी? लाहौर में होगी। और दूसरे नंबर पे जो मैंने गलती की है ना मियां साहब को वोट दे के, अच्छा, इंशाल्लाह मैं दोबारा नहीं करूंगा। यानी इस गवर्नमेंट को दोबारा वोट नहीं देंगे? ना 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 ना, दिया वोट मैंने। अच्छा, ये रीजन क्या? ये तो देखे ना, महंगाई जितनी भी हो जाए इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम चोरियों पे डाकों पे उतर आए या लूटमार पे उतर आए। फिर पेट किस तरह पालेंगे? मेरे पास काम नहीं है तो मेरे बच्चे भूखे हैं, तो भाई मैं फिर डाका ही डालूंगा, चोरियां करूंगा और क्या करूंगा। ठीक है, और हम देखते हैं ये तो अभी कराची में जो ड्रीम बाजार के नाम से जो वाकया पेश आया है, कभी रोड पे चलते हैं कोई कंटेनर उलट जाता है अगर पेट्रोल का, ऑयल का, उसमें से सारा ऑयल निकाल लिया जाता है, अगर कोई गाड़ी जिसमें कोई मतलब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं वो गिर जाती हैं, उससे सारी गाड़ी लूट ली जाती है। ये सूरत हाल आम एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में होती है, एक मुहज्जब सोसाइटी में? बिल्कुल नहीं। ठीक है। अच्छा, ये जो आम आवाम है आपको नहीं लगता कि गुरबत से परेशान है और ये कल को ये सिचुएशन हमें और बढ़ती नजर आएगी? आप जो यंग लड़के हैं ना, मजबूरी के तौर ये कर रहे हैं। ठीक है, ये कोई शौक से कोई बंदा लूटमार नहीं कर नहीं करता जरा, बिल्कुल नहीं करता। ठीक है, जो पेट में नहीं होगा कुछ तो जाहिर है कुछ करने कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, मैं यही कहना चाहूंगा की इंशाल्लाह इधर होगा। चले, मैं कहता हूँ इंशाल्लाह इधर ऐसा ना हो, बेहतरी हो, लूट मार की किस तरह होगी भाई, किस तरह होगी बेहतरी? गवर्नमेंट करेगी, मैं और आप मिलके, पब्लिक मिलके करेंगे। कपड़े उतार रही है बिलों में, टैक्सों में, पता नहीं क्या क्या। अब इस माह मुझे 27,000 बिल दिया मैंने, 27,000 में। मरियम नमाज अगर सुन रही है ना तो अल्लाह माफ करे यार, जो मैंने गलती की है ना दोबारा नहीं। ठीक है, तो आइंदा किसे वोट देंगे आपके ख्याल से? मतलब आइंदा जो, मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरा इमरान खान को दूंगा, जो अच्छा होगा उसको दे। चले ठीक है, आए मजीद किसी से बात करते हैं जी, अगर कोई बात करना चाहेगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम। महंगाई बढ़ती जा रही है, गुर्बत बढ़ती जा रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, लूटमार में मजबूर हो गए हैं, क्या लूटमार करनी चाहिए इतनी महंगाई? लूटमार नहीं करनी चाहिए, लेकिन कराची में ये जो वाकया पेश आया है, एक पूरी मार्केट को लूट लिया लोगों ने, गए हैं बस उधर डिस्काउंट लगा था, ऐसे ही सारे कपड़े उठाए, खाने पीने की चीजें उठाई, क्या वजह इसकी? उधर वैसे माहौल ही ऐसा, शुरू स्टार्टिंग से माहौल ऐसा, कराची में शुरू से ही ऐसा, ऐसा ही माहौल। लाहौर में भी तो अक्सर हम देखते हैं, पंजाब में देखते हैं कि जब कोई पेट्रोल की गाड़ी उलट जाती है तो उधर सारा पेट्रोल लोग बाल्टियों में भर भर के लेके जा रहे हैं। गांव में चलो जहर है पाए, जो मर्जी उठा काम करना, काम तो करना को नहीं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, आपका नाम?
बिलाल। क्या करते हैं बिलाल साहब? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। महंगाई बर्दाश्त में है? महंगाई बर्दाश्त से बाहर हुई नहीं है। ठीक है, तो लूटमार की तरफ लोग उतर आए हैं, क्या वजह समझते हैं? कराची में एक वाकया पेश आया, सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल है, आपने देखा होगा, एक पूरी मार्केट को लूट लिया लोगों ने कि भाई खाने की वजह महंगाई है और कोई वजह नहीं है। ठीक है, तो ये महंगाई को चाहिए कि अपने जो इन्होंने लड़ाइयाँ लगी हुई है 5 साल से, वो अपनी हुकूमत की लड़ाई। हाँ जी, हुकूमत के वो पीडीए कहते वो चोर है, नवाज शरीफ कहता वो चोर है, दरदारी कहता वो चोर है। चोर पब्लिक को बना दिया, जो इसम सूरत आला चोर तो पब्लिक बन गई, पब्लिक चोर बन गई है और ये सुकून से बैठ गए हैं। ठीक है, तो ये बेहतर कैसे होगा? अब इन्होंने खुद ही करना है, ये लड़ाइयाँ छोड़े, मुल्क के बारे में सोचे और इसका कोई हल नहीं है, ये नहीं छोड़ेंगे। पब्लिक की सूरत हाल में क्या सोच रखती है? मैं कहता हूँ लोग डर के मारे या पता नहीं क्या वजह बोल ही नहीं पाते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हुसैन रजा। क्या करते हैं? किडनैप नहीं होना, बीवी बच्चे वालों हैं, काम करते हैं, मुझे बताएं महंगाई बर्दाश्त में है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या वजह, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार गवर्नमेंट ही, हमारी गवर्नमेंट है, हम कोई, हमारी कोई गलती नहीं। उसका रीजन ये है कि ये जो हमारी गवर्नमेंट है ना, ये भाई देख के बोल रहा है, यही काम कर रही है, उसको पकड़ रही है, उसको पकड़ रही है। अगर ये अपनी कुर्सी के अलावा ना, ये लोगों पर ध्यान दे ना ज्यादा, लोगों की गुर्बत कम करे, मसाइल कम करे, ये बेहतरी की तरफ आएंगे तो फिर ये हालात है। ये जो वाकया पेश आया कराची में, एक पूरी मार्केट को, आम पब्लिक, ये जैसे आम पब्लिक खड़ी है, ये इस तरह की लोगों ने लूट लिया, पूरी दुनिया में वो वीडियो जो वायरल है, वो इस वजह से लूटा ना, गुर्बत ही इतनी है, आम महंगाई क्या करे, अब लोगों के बिल आ रहे 25 से 30 हजार बिल आ रहा है। आप बड़ा काम बता रहे हैं। नहीं, मेरी बात सुने ना, जिनका एक पक्खा चल रहा है, वो गरीब आदमी है, जिसकी वो मजदूरी करता है, 1000 रुपए मजदूरी है, ठीक है, 600-700 रुपए किलो घी है, वो एक दिन की 1000 रुपए मजदूरी करता है, उसमें वो क्या करेगा, क्या क्या मैनेज करेगा, इसमें वो कुछ भी नहीं मैनेज कर सकता, उसने लूट मारी करनी और वो क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता। ये भाई बोल रहे हैं, इसके जज्बात है और ये हर पाकिस्तानी की सेम ये सूरत हाल है, क्या वजह है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर वर्क क्यों नहीं कर रही? भाई गवर्नमेंट कैसे करे, वो अपनी, उनको अपनी कुर्सी की पड़ी हुई है, दुनिया हम पे हंस रही है, अगर वो अपनी कुर्सी छोड़ेंगे ना तो फिर ये मुल्क बेहतरी की तरफ आएगा, वो अपनी कुर्सी छोड़ नहीं रहे, आपस में गरीब आम को मार रहे हैं, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब आम आपस में, गरीब आम है जो आपस में मरती जा रही है, उन्होंने आपस में लड़ना ही है ना, और वो क्या कर सकती है, कुछ भी नहीं कर सकती। जो बड़े हुक्मरान है, अगर इनके खिलाफ कोई आवाज उठाएगा वो उनको वैसे गैप कर देते हैं। ठीक है, अच्छा जो कराची में सिचुएशन नजर आई है, क्या आपको लगता है कि अगर ऐसे ही हालात रहे आने वाले टाइम में, लाहौर में, पंजाब में, मुख्तलिफ एरियाज में हमें आम नजर आएगा, लो जी वो एक नई मार्केट की ओपनिंग हुई है, चलो जाके लूट लेते हैं? भाई अगर इसी तरह से हालात रहेंगे, ये कुछ भी नहीं हो सकता इस मुल्क का, ये मुल्क हमारा एक ये हमारा मुल्क इसी तरह नीचे की तरफ ही जा रहा है, ये कभी भी ऊपर नहीं आ सकता, जब तक ये लूट मार रहेगी ये इसी तरह रहेगा, जब तक गवर्नमेंट महंगाई को कम नहीं करेगी ये काम इसी तरह रहेगा। नहीं तो गवर्नमेंट भी तो हम ही बनाते हैं ना, वोट भी नहीं, हम ही देते वो हैं। हम देखे, हम तो अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते हैं ना कि हमारा हुक्मरान जो भी है वो अच्छा है, ठीक है, लेकिन वाम तो अच्छा हुक्मरान ही चुनती है, लेकिन वो बाद में बदल जाता है, उसका तो हम जिम्मेदार नहीं है, नहीं है जी, हमें तो चाहिए ना कोई अच्छा हुक्मरान मिले, अच्छा हुक्मरान मिले, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आपका नाम? अमानुल्लाह खान। खान साहब क्या करते हैं? मैं मंसूरा में ड्राइवर है। मुझे बताएं, जो जितनी महंगाई हो गई है, लोग एक दूसरे की जेबें काटने पे मजबूर हो गए हैं, लोग एक दूसरे से पैसे छीनने पे मजबूर हो गए हैं, दुकानों पे जाके माल, मार्केट में भी एक कराची में वाकया पेश आया, पूरी की पूरी मार्केट पब्लिक ने लूट ली है, क्या कहना चाहेंगे गुर्बत के ऊपर? बस ये जो हम अपने प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा जरा ख्याल करो, ठीक है, क्योंकि हम गरीब लोग हैं, समझ गए, समझ से बाहर हो गया, ये सारे जो है ना मतलब तनख्वाहदार लोग हैं, इनका मतलब है ना कि इतना मतलब 20,000-22,000 मैक्सिमम 25,000 तनख्वाह होगी, ठीक है, 25,000 में क्या क्या आएंगे, घर का किराया दे दे, बिजली का बिल, आपको पता है कि आजकल बिजली का बिल कितना आता है? अच्छा हमें गवर्नमेंट हमें लूट रही है या हम एक दूसरे को लूट रहे हैं? हमको गवर्नमेंट लूट रहे हैं। गवर्नमेंट हमें लूट रही है या हम एक दूसरे को लूट रहे हैं? तो जो सबका यही कहना है कि गवर्नमेंट इनको लूट रही है, और ये जो टाइटल था कि पाकिस्तानी पब्लिक लूटेड ड्रीम बाजार मॉल इन कराची, ये एग्जैक्टली यही है जो इसमें लिखा हुआ है। मेरे को लगा था जैसे हमारे इंडिया में होता ना लूट मच गई है या लूट बाजार की, भी बहुत कम दाम में कोई चीज़ मिल रही है या सेल है, तो मैं उससे ले गई थी, लेकिन वो वाकई में लूट लिया गया है, और वहाँ के जो पब्लिक है वो बहुत ज़्यादा निराश है अपनी गवर्नमेंट को लेके, कि गवर्नमेंट ही उनको लूट रही है, गवर्नमेंट पब्लिक के बारे में नहीं सोच रही है, जिस वजह से अब बंदा अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, अपनी बीवी का पेट पालने के लिए कुछ तो करेगा ना,
तो ऑब्वियसली वो लूटी मचाएगा और क्या ही करेगा, अगर उसको सही तरीके से चीज़ें नहीं मिल रही है तो फिर वो टेढ़ी उंगली तो करेगा ही। तो कुल मिला के ये है कि पाकिस्तान के पब्लिक ही ये कह रही है कि पाकिस्तान कभी स्टेबल नहीं हो सकता, पाकिस्तान की चीज़ें कभी अच्छी नहीं हो सकती, पाकिस्तान ऐसे ही रहेगा और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है पाकिस्तान की पब्लिक की इस सिचुएशन का। तो मुझे बहुत बुरा लगता है लेकिन कर्मा है जी। अब पर बात यह है ना कि जैसे जो आम बंदे हैं वहाँ के, उनकी क्या गलती है? उनकी तो कोई गलती नहीं है ना, जो वहाँ पर उनके हेड हैं जिन्होंने उग्रवादियों को भी वहाँ पर पनाह दी हुई है, तो सारे मसले की जड़ तो वही है। तो मैं तो कह रही हूँ उन लोगों को छोड़ के ना इंडिया आ जाना चाहिए या कहीं और चले जाना चाहिए। ये लोग समझदार हैं, इनको पता लग रहा है कि किस में कमी और किस में नहीं है। आप लोगों का क्या राय है प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं करती हूँ ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टाटा बाय बाय।